things have become so generalized. Yeah. Now what people are thinking is that no, this is acceptable. Like, how can this person be different? He needs to act in a certain way. And why is he not acting in a certain way? They are literally very what to say, concerned about that particular person, that what is wrong, need to act Agreed. in a certain way. इतना अंदर भरा एग्जैक्टली हुआ है हमारे अंदर कि भरा यार हुआ है इस हमारे अंदर. जनरलाइज हम करते रहते हैं हर चीज में. हर स्टेटमेंट भी है, वी आर काइंड ऑफ कंडीशन इन दैट वे टू यू नो जनरलाइज एग्जैक्टली थिंग्स. लाइक यार एवरी दिस लाइक आजकल कंटेंट क्रिएशन में देखा जाए तो कंटेंट ऐसे ही बनता है मोस्टली. यू नो एवरी देसी मदर, एवरी देसी ब्रदर. हाँ. पीपल आर चेंजिंग, मदर्स आर ऑल्सो चेंजिंग, लाइक पीपल एज अ पर्सन दे आर चेंजिंग. एंड वो मूड के हिसाब से, कभी कभी वी कैन से दैट मूड के हिसाब से होता है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर मम्मी एक ही जवाब देगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अकॉर्डिंग टू मी आई गेस नाउ डेज इट हैज जस्ट बिकम द रेस ऑफ रिलेटिविटी. सो व्हाट कंटेंट क्रिएटर्स आर डूइंग राइट नाउ आर लाइक मोस्ट कंटेंट क्रिएटर्स आर डूइंग राइट नाउ इज दैट व्हाट दे आर मोर एंड मोर ट्राइंग टू मेक देयर कंटेंट मच मोर रिलेटेबल. And what this does is, this makes one perception in the content creator's mind that, you know what, to make it more relatable, I need to pick some general topics, and this is where generalization comes in.